जय श्री हरि विष्णु। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल डिजिटल महात्मा पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। भगवान के बिना आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। कोई भी मनुष्य बिना भगवान के जीवन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। परंतु सभी लोगों ने पूर्ण परमात्मा को पहचाने बिना अपने लिए एक या अधिक ईश्वर तय कर दिए हैं। आज की प्रस्तुति में हम आपको महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी द्वारा रचित धर्म ग्रंथों व पुराणों के माध्यम से परमपिता परमेश्वर अर्थात जो ईश्वर समस्त भूतों एवं समस्त ब्रह्मांडों के मूल कारण हैं, एवं जिन परमपिता से बढ़कर कुछ भी नहीं, जो काल के भी काल हैं, एवं जो समस्त देवी देवताओं के भी मूल स्रोत हैं, उन परमपिता परमेश्वर के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सनातनी धर्म ग्रंथों में कुल 18 पुराण हैं। विभिन्न पुराणों में भिन्न भिन्न देवताओं को सर्वोच्च बताया गया है। जैसे शिव पुराण में भगवान शिव को सबसे महान बताया गया है। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु तथा श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान कृष्ण को सर्वोच्च बताया गया है। सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि सभी लोग एक ही ईश्वर की आराधना करते हैं, भले ही वे उस ईश्वर का अलग अलग नामों से आह्वान करते हों, परंतु वे सभी उन अलग अलग नामों के माध्यम से उस एक ही परमेश्वर की आराधना करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों में परमपिता परमेश्वर को अपने अलग अलग तरीकों से समझा गया है। लेकिन है तो ईश्वर एक ही, जिससे समस्त भूतों की रचना हुई है। पुराणों में सिर्फ वास्तविकता को अलग अलग तरीकों और अलग अलग कहानियों के माध्यम से वर्णित किया गया है, ताकि अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग अपने अपने विश्वास के साथ उस एक परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकें। जैसा कि हम अपने वैदिक साहित्य के माध्यम से समझते हैं कि यदि हम एक व्यक्ति हैं एवं ईश्वर भी एक दिव्य पुरुष हैं, तो उनके विषय में ऐसा क्या विशेष होना चाहिए कि उन्हें भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व माना जाए? और केवल कृष्ण को ही भगवान क्यों माना जाना चाहिए, किसी अन्य को क्यों नहीं? आइए समझते हैं। ब्रह्मा संहिता अध्याय 5 में ब्रह्मा भौतिक अस्तित्व के माध्यमिक निर्माता पर विचार करते हैं और कहते हैं कि ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्वकारण कारणम्। अर्थात ब्रह्मा कहते हैं कि सभी ईश्वरों में सर्वोच्च परमेश्वर कृष्ण हैं। कृष्ण सर्वोच्च नियंत्रक हैं क्योंकि उनके पास एक शाश्वत आनंदमय आध्यात्मिक शरीर है, इसलिए ऐसा कोई बिंदु नहीं है जब कृष्ण का अस्तित्व न हो। वह सबके मूल हैं, उनकी कोई अन्य उत्पत्ति नहीं है और वे सभी कारणों के प्रमुख कारण हैं। वह सभी रचनाकारों के रचयिता हैं। वे भगवान हैं और सभी भगवानों के भी स्वामी हैं। तो यह ब्रह्मा देव का वचन है। आइए देखें कि भगवान शिव क्या कहते हैं। पद्म पुराण में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि आराधनानाम सर्वेषां विष्णुर आराधनाम परम। अर्थात सभी पूजाओं में सभी यज्ञों में श्री कृष्ण या श्री विष्णु की पूजा सर्वोच्च है। इस प्रकार ब्रह्मा कहते हैं कि कृष्ण सर्वोच्च हैं और शिव कहते हैं विष्णु सर्वोच्च हैं। इस पर स्वयं भगवान कृष्ण भगवद्गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। अर्थात हे धनंजय, कृपया समझो कि मैं पूर्ण सत्य हूँ, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। इस प्रकार ब्रह्मा कहते हैं कि कृष्ण ही भगवान हैं, शिव कहते हैं कि विष्णु ही भगवान हैं, तथा स्वयं कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सर्वव्यापी हूँ। भगवद गीता के अध्याय 10
श्लोक 12 और 13 में अर्जुन कहते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देव मजम विभुम आहुस्त्वामृषः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चौ ब्रवीषि मे। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि आप परम पुरुषोत्तम भगवान, परम धाम, परम शुद्ध अविनाशी भगवान आदि पुरुष अजन्मे तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल और व्यास जैसे महान ऋषि सभी इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझे यही सब बता रहे हैं कि आप सर्वोच्च हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में गोवर्धन लीला और ब्रह्मा विमोहन लीला के पश्चात क्रमशः इंद्र और ब्रह्मा भी श्री कृष्ण को भगवान के रूप में महिमा मंडित करते हैं। श्रीमद् भागवतम में सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुनवंती दिव्यः स्तव वेदः सनत पाद क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यम समागा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरसुरगण देवाय तस्मै नमः। अर्थात वे कृष्ण का वर्णन इस प्रकार करते हैं कि यम, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, रुद्र, मरुत ये सभी प्रमुख देवता श्री कृष्ण को नमन करते हैं। सभी उपनिषद और सामवेद के श्लोक श्री कृष्ण की महिमा गाते हैं। ध्यानमग्न एवं तल्लीन चित्त से योगी जिनका साक्षात्कार करते हैं वो श्री कृष्ण को सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में पाते हैं और जिनको सुर या असुर, देवता या दानव नहीं समझ सकते उन परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण को मैं नमन करता हूँ। अंततः श्रीमद्भागवतम में शुकदेव गोस्वामी भी वर्णन करते हैं कि एते चांशकलाह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृड्यन्ति युगे युगे। अर्थात सभी विभिन्न अवतारों, विस्तारों और पूर्ण भागों का वर्णन करने के बाद शुकदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा कलावतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतारी ही हैं। यहाँ तक कि महर्षि वेदव्यास देव जी के पिता महर्षि पराशर मुनि विष्णु पुराण में भगवान की परिभाषा का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चौ षण्णां भग इतीर्णा। अर्थात ईश्वर वह है जिसके पास पूर्ण रूप से यह छह गुण हैं, समग्र ऐश्वर्य, शौर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। इन्हीं छह गुणों से भगवान शब्द की व्युत्पत्ति होती है तथा कृष्ण के पास ये सभी छह गुण अनूठे और असमान तरीके से विद्यमान हैं। पहला, वे सौंदर्य से परिपूर्ण हैं, अर्थात कृष्ण सबसे सुंदर हैं। दूसरा, वे सबसे शौर्यवान हैं, उन्होंने कृष्ण लीला में सभी राक्षसों का वध कर दिया था। तीसरा, वे सबसे प्रसिद्ध हैं, आज भी कृष्ण की लीलाएं दुनिया भर में गाई जाती हैं। चौथा, वे सबसे धनी हैं, सब कुछ कृष्ण का है। पांचवा, वे परम ज्ञानी हैं, वह सब कुछ जानते हैं क्योंकि उन्हीं से सबकी रचना हुई है, उन्होंने ही अर्जुन को भगवद गीता सुनाई। छठवा, वे सबसे बड़े त्यागी हैं, कृष्ण के पास ये सभी छह गुण अद्भुत तरीकों से विद्यमान हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण को अस्मोर्ध्व कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि कोई भी उनके समान नहीं है तथा कोई भी उनसे सर्वश्रेष्ठ नहीं है। तो इन सभी शास्त्रीय संदर्भों के निष्कर्ष में हम समझते हैं कि कैसे श्री कृष्ण ही एकमात्र सर्वोच्च परमपिता परमेश्वर हैं, जो समस्त प्रकार के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, जिनसे परे कुछ भी नहीं, वे ही सभी के आदि कारण हैं, अर्थात वे ही ब्रह्म हैं, वे ही ओम हैं। अतः हमें सभी देवों को उनमें ही देखना चाहिए। तो यह थी सर्वव्यापी परमपिता परमेश्वर के विषय में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। अपनी अगली प्रस्तुति में हम आपको एक नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।